नमस्कार, स्वागत है आपका जीवीएन 24 में और मैं हूं आपके साथ रिशु चौधरी। आम निर्वाचन लोकसभा 2024 का पहला चरण का चुनाव बिहार के 4 जिलों में हो जाने के बाद दूसरे चरण में 26 अप्रैल को भागलपुर, बांका सहित किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया में मतदान होना है, जिसको लेकर एक से एक दिग्गज राजनेता अपनी पार्टी और पार्टी के प्रत्याशियों के प्रचार के लिए आ रहे हैं और बिना कोई लाग लपेट के वोट मांगने का सीधा सीधा काम कर रहे हैं, दूसरी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। इस बाबत में आज कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस उम्मीदवार अजित शर्मा के लिए आम जनता से वोट देने की अपील किया। राहुल गांधी ने जनसभाओं को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर हमला बोला। भाजपा के लोग बात करते हैं 400 सीटें आएंगे, इतनी सीटें आएंगे, उतनी सीटें आएंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि एनडीए को 150 से ज्यादा सीट नहीं आएंगे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हमारी सरकार बनने वाली है, अग्निवीर योजना को उठाकर फेंक देने की बात कही। आपको बता दें कि भागलपुर में अजीत शर्मा का मुकाबला मुख्य रूप से जेडीयू प्रत्याशी अजय मंडल से है। पहले फेज में चुनाव को लेकर बिहार के चारों सीटों पर महागठबंधन की जीत सुनिश्चित कहा। राहुल गांधी ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार में मोदी सरकार ने बिहार को बेरोजगार की फैक्ट्री बना देने की बात कही। पढ़े लिखे ग्रेजुएट डिप्लोमा होल्डर युवा दर बदर ठोकरे खाने की बात कही। इस कार्यक्रम में राहुल गांधी के साथ साथ तेज प्रताप, मुकेश साहनी एवं पूर्णिया के बीमा भारती भी शामिल हुए, जो कि बीमा भारती जेडीयू से निकलकर राजद का दामन थाम और पूर्णिया से राजद प्रत्याशी के तौर पर लोकसभा चुनाव लड़ रही है। हिंदुस्तान के हर युवा को पहली नौकरी का अधिकार हमारी अगली सरकार देने जा रही है। जैसे मनरेगा में रोजगार का अधिकार दिया, वैसे ही हम ग्रेजुएट को पहली नौकरी का अधिकार देंगे। पहली नौकरी का अधिकार का मतलब हिंदुस्तान के सारे ग्रेजुएट होल्डर, डिप्लोमा होल्डर, उन सबको एक साल के लिए अप्रेंटिसशिप मिलेगी, 1,00,000 रुपए साल का, 8,500 रुपए महीने का, खटाखट उनकी उनकी ट्रेनिंग होगी और अगर पहले साल उन्होंने अच्छा काम किया तो उनको परमानेंट नौकरी मिलेगी। ये जो अप्रेंटिसशिप वाली नौकरियां होंगी ये प्राइवेट सेक्टर में होंगी, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में होंगी। आज राहुल जी की आम सभा हुई है, कैसा देख रही है, क्या लग रहा है कि भागलपुर में जीत सुनिश्चित है? 100% अजीत शर्मा जी जो हमारे विधायक हैं, एमएलए का जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनका 100% है कि यहाँ से जो है हमारे विधायक जी जो है जीतेंगे, अजीत शर्मा जी की जीत होगी यहाँ से। और आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ के जो पहले के जो एमपी रह चुके अजय मंडल जी जो है, उन्होंने अभी तक भागलपुर में कुछ भी काम नहीं किया है। उनको जानता जानती और नहीं है। आप किसी से पूछिएगा तो वो उनको कोई भी नहीं जानता है, कोई भी नहीं जानता है। किसी से पूछ लीजिएगा, बोलेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे। एनडीए का दावा है अब की बार 400 पार। बिल्कुल नहीं, 150 पार भी करके दिखाए, 150 पार भी करके दिखाए, बिल्कुल भी नहीं होगा। इस बार जो है युवा सब जो है उतरे हुए हैं जंग में, इस बार जो है हम लोगों की जीत होगी, हम कांग्रेस की जीत होगी। आप लोग देख लीजिएगा, हमारे प्रधानमंत्री 200% विश्वास है, 200% विश्वास है हमारे प्रधानमंत्री सर राहुल जी बनेंगे। ये सिर्फ चुनाव नहीं है, ये चुनाव जो है ये आजादी की लड़ाई है। जैसे आपके पूर्वज और हमारे पूर्वज ने इस देश को आजादी दिलाने के लिए संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा, उसी तरीके से ये देश में ये जो चुनाव है ये आजादी दिलाने की चुनाव है। साथियों, ये चुनाव इसलिए आजादी दिलाने की है क्योंकि हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें संविधान बना के दिया, जिसके कारण गरीब, पिछड़ा, दलित सभी लोगों को अधिकार मिला। आज इस समय में ऐसे सरकार आ गए हैं जिसको बदलने की बात कर रहे हैं। साथियों, इसलिए तमाम हमारे युवा साथी सभी से आग्रह
है कि मजबूती से लड़ाई लड़िए, संघर्ष कीजिए। और खास करके बीजेपी पार्टी के जितने भी यहाँ पे नेतागण है, जो हमारे कार्यकर्ता है, आप सभी से आग्रह है कि आपने हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लिया है कि अपने हक अधिकार के लिए, अपने आने वाले पीढ़ी के बच्चे के भविष्य के लिए हम संघर्ष करेंगे। तो ये समय आ चुका है 2024 में परिवर्तन लाने का। साथियों आज देखिए हमारे देश के माननीय भागलपुर में हार्दिक अभिनंदन और प्रणाम करता हूँ। आज हम लोग का और भागलपुर का सौभाग्य है कि आदरणीय राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, मुकेश सहनी जी हमारे हम धरती पर हमारे बीच में है। इसे मैं स्वागत करता हूँ। आप लोग आज जनता हम पूरे आपसे आग्रह है और आप बता रहे हैं कि जिस तरह से आप लोग आदरणीय अजय मंडल की सांसद आपने चुना, विकास की बात को छोड़िए, वो किसी गांव किसी पंचायत में वो घूमने मिलने तक नहीं गए। मैं आपको वादा करता हूँ, आप अगर आपकी जीत होती है और विकास की जीत होगी, अगर मेरी जीत होती है तो आपसे पूछ के, चाहे कोई भी हो, मुखिया सरपंच से पूछ कर काम करेंगे, उनसे मिलने काम करेंगे। चाहे वो हवाई सेवा प्रारंभ करना हो, चाहे भागलपुर में एम्स की स्थापना करना हो, सरकारी कर्मियों के लिए ओल्ड पेंशन सिस्टम पूरा प्रारंभ कराना हो, भागलपुर में राष्ट्रीय स्तर का IT हब बनाना हो, भागलपुर के शिल्प उद्योग को विश्व के मानचित्र पर स्थापित करना है, भागलपुर और औद्योगिक नगर घोषित कराना। अभी के लिए बस इतना ही। बिहार से जुड़ी ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए GBN 24।